तारीख की रात 22 बजे तक अर्थात 10 बजे तक ट्रेनें कैसे चलेंगी इसके बारे में मैं आप सबों को बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम बता रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन अर्थात जो MEMU ट्रेन्स हैं, DEMU ट्रेन्स हैं उनके बारे में। तो ध्यान से सुने, 21 तारीख की मध्यरात्रि अर्थात 21 और 22 का जो मध्यरात्रि का समय है उसके बाद से लेकर के 22 तारीख की रात 10 बजे तक जितनी भी सवारी गाड़ियां अपने आरंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली हैं वो कैंसिल रहेंगी, लेकिन जो भी सवारी गाड़ी इसके पहले अपने आरंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी है वो अपने गंतव्य स्थान तक अपने निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेगी और यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगी, भले ही वो 22 तारीख का शाम 5 बजे हो, 4 बजे हो, 3 बजे हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 21 तारीख की रात 11 बजे किसी पैसेंजर ट्रेन में सवार होते हैं और उनका जो गंतव्य स्थान है 22 तारीख को 3 बजे अगर पहुंचना है तो वो ट्रेन उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। कोई भी ट्रेन 22 तारीख को 7 बजे के बाद रुक जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, यदि इन सवारी गाड़ियों में पैसेंजर की संख्या नगण्य हो गई उस स्थिति में इसको हम लोग किसी मध्य के स्टेशन पे शॉर्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन होगा यह सूचना प्रेस एंड मीडिया के माध्यम से सभी रेल यात्रियों को देती रह जाएगी। अब हम आते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन पे। तो 22 तारीख की सुबह अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर के 22 तारीख के रात 10 बजे तक अपने आरंभिक स्टेशन से जो भी ट्रेनें प्रस्थान करने वाली हैं वो ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, लेकिन वैसी ट्रेनें जिनमें यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आरक्षण करा रखा है, उन ट्रेनों के कैंसिलेशन या चलाने का निर्णय क्षेत्रीय रेल के ऊपर छोड़ा गया है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी अभी जो हमारा यात्री आरक्षण प्रणाली है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग एक फैसला देंगे कि 22 तारीख को सुबह 4 बजे से लेके 22 तारीख की रात 10 बजे तक अपने आरंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कैंसिल होंगी या कौन कौन सी जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी, इसका निर्णय अभी हम लोग आज शाम तक या दोपहर तक आप सबों को अवगत करा देंगे। तो मेरा सभी रेल यात्रियों से आग्रह है कि वे पैनिक न करें, ट्रेनें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ट्रेनें रुक जाएंगी।